उत्तराखंड में चंपावत जिले के टनकपुर से लगी भारत नेपाल सीमा से लगे खालमा में फंसे नेपाली नागरिकों को बुधवार को नेपाल आर्मी द्वारा रेस्क्यू करने का वीडियो सामने आया है। जी हां, बुधवार को भारत नेपाल सीमा के खालमा गांव में शारदा नदी के जलस्तर बढ़ने से गांव में फंसे नेपाली नागरिकों को नेपाल आर्मी द्वारा हेलीकॉप्टर की सहायता से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। पिछले दो दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते नेपाली नागरिकों को आखिरकार सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि 18 और 19 अक्टूबर की मानसूनी बरसात ने जहां टनकपुर सहित समूचे उत्तराखंड में तबाही लाकर रख दी थी, तो वहीं इससे पड़ोसी देश नेपाल भी आपदा से अछूता नहीं रहा। महाकाली नदी के नज़दीक बसने वाले खल्ला गांव में भी बाढ़ के चलते तबाह हो गया। लोगों ने समय रहते गांव को छोड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान 5 नेपाली नागरिक गांव में ही फंसकर रह गए और काली नदी का जलस्तर बढ़ने से ये लोग पानी के बीचों बीच घिर गए। नेपाली नागरिकों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर नेपाल सरकार ने आर्मी के द्वारा हेलीकॉप्टर की सहायता से अपने 5 नागरिकों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। इस रेस्क्यू कार्यक्रम ने नेपाली आर्मिकों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार नेपाली आर्मी 5 नेपाली नागरिकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट करने में कामयाब। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इंक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।